नागपुर शहर में पहली बार मेकअप आर्टिस्ट के लिए रियलिटी शो का आयोजन किया गया है। टीम टैलेंट फैक्ट्री की ओर से शुरू किए जा रहे सेंट्रल इंडियाज बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इस शो में एक एपिसोड में सारेगामा विनर तन्मय चतुर्वेदी गेस्ट के तौर पर आने वाले हैं, जिस संबंध में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार परिषद में अधिक जानकारी साझा की गई। नागपुर साक्षी बनने जा रहा है उसके पहले अपने टीवी रियलिटी शो का, जो मेकअप कलाकारों पर आधारित होगा। आपको बता दें कि सेंट्रल इंडिया बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट यह शो अपने आप में ही एक अनोखा शो होने के बावजूद भारत का भी पहला ऐसा रियलिटी शो है जो मेकअप कलाकारों पर आधारित है। देश भर के मेकअप आर्टिस्ट इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गया है। यह शो सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से भी बड़े पैमाने पर मेकअप कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस शो में सारेगामा पर लिटिल चैंप्स 2007 की विनर रहे लखनऊ के नवाब तन्मय चतुर्वेदी अपनी आने वाली एल्बम बिरहा का प्रमोशन करते नजर आएंगे, जिसमें गायन स्वयं तन्मय चतुर्वेदी करेंगे। इसे संगीत दिया है कौशल महावीर ने तथा इसके निर्माता है निखिल मोडकरी, शीतल गुप्ता और ग्लैमिक्स प्रोडक्शन। यह एल्बम जी म्यूजिक द्वारा रिलीज किया जाएगा। पहली बात तो देखिए, मेकअप आर्टिस्ट हम लोग की सबकी हम सारे आर्टिस्ट की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा रहे हैं, चाहे हम सिंगर्स हों या डांसर्स हों या एक्टर्स हों, बिकॉज इनके बिना हम लोगों का काम बनता नहीं है। कभी भी हम रियलिटी शो में भी जाते हैं तो प्रेजेंटेशन करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट ही लगेगा, राइट? सो एक बहुत ही अच्छा जरिया है उनको भी आगे बढ़ने के लिए कि आप नाउ उनके पास भी वो फेम होगा, बिकॉज हम जानते हैं ये सारी टीम्स बैक स्टेज काम करती हैं, इनको उतना नाम भी नहीं मिलता है। सो नाउ देयर इज अ टाइम कि हम उन्हें वो नाम दे रहे हैं और ये काम सेंट्रल इंडियाज बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट जो शो आ रहा है ये कर रहा है। मेरे ख्याल से बिग थैंक्स टू देम कि अब हमारे देश के मेकअप आर्टिस्ट भी फेम के साथ जी सकेंगे और उनका भी उतना ही नाम होगा जितना हम आर्टिस्ट का हो सकता है या होता है मोस्टली। टीम टैलेंट फैक्ट्री एंटरटेनमेंट नागपुर काफी समय से मनोरंजन के क्षेत्र में छोटे मोटे किरदार में काम करती आई है। सेंट्रल इंडियाज बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट के माध्यम से टैलेंट फैक्ट्री एंटरटेनमेंट ने एक ऊंची और उम्मीदों भरी छलांग लगाई है। अपने इस अनोखे और पहले टीवी रियलिटी शो को लेकर संपूर्ण टीम बेहद उत्साहित है और कड़ी निष्ठा के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने के प्रयास में जुटी है। 24 एपिसोड असणार आहे आणि केव्हापासून सुरू होईल कारण आता याचे पूर्ण फॉर्मॅट बनत आहे, पण आम्ही डेट डिक्लेअर नाही करू शकत सध्या कारण डेट अजूनपर्यंत आमच्याही जवळ नाही आली, कारण आमचे 40 पार्टिसिपेट आहे आणि थोडं रजिस्ट्रेशन बाकी आहे अजून। जसं पूर्ण आमचं रजिस्ट्रेशन आणि आमचं फॉर्मॅट बनलं तर आम्ही डेट डिक्लेअर करून देऊ। रूपरेषा अशी आहे की हा एक मेकअप आर्टिस्ट आहे, हा कधी ऐकला पण नसेल हा शो असा बनत आहे, तर चांगलाच होणार आहे हा शो कारण फॉर्मॅटच तसा आहे की सेंटर इंडियाज बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट हा शो आहे। शोचं कम्प्लीट डिझायनिंग मी बनवत आहे, किती एपिसोड्स असतील, कसं जाईल, कुठे आपला डेंजर झोन आणायचा आहे, सेफ झोन कसा असेल, कसे कसे टास्क असेन होतील, ते सगळ्या गोष्टी ते नियम आम्ही सगळे जजेस आणि आम्ही मिळून ते बनवू त्याला आणि अकॉर्डिंग टू ते एपिसोड्स ते नियम ते त्याला लागू होतील। हा पूर्ण शो सगळं मी डिझाईन करता, आम्ही आमचं आतमध्ये प्रोडक्शन टीम आम्ही बनवली आहे, त्यात फ्लोअर मॅनेजर, लाईन मॅनेजर, आर्ट डायरेक्टर, पोस्ट प्रोडक्शन सुपरवायझर, एडिटर्स, हे आमची पूर्ण टीम आहे आणि त्या सगळ्यांना त्यांचे त्यांचे टास्क असाईन केले जातील सगळे अकॉर्डिंग टू त्यांचं क्रिएटिव्हिटी आणि त्या टॅलेंटच्या हिशोबाने। म्हणजे आपला हा जो शो आहे, आपले सगळे नागपूरचे लोक आहेत, नागपूरमधून टॅलेंट आपण उचललेला आहे आणि तो नागपूरमधून टीव्हीवर पुढे येईल। कार्यक्रम के प्रबंधन कार्य में परेश जाटवी, प्रणीता गुढादी, श्री जैन, धीरज जैन, शिवालिका वर्मा, अपर्णा निवारे, सलोनी घोटकर, कार्तिकीय मिश्रा, कीर्ति कुमार मोहिनी शामिल होगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।